हेलो जी कैसे हैं आप और uh, मैं यार अभी कुछ काम कर रही थी साथ साथ में डीएम चेक कर रही थी तो मैं बस ऐसे ही वीडियो बनाने बैठ गई नो मेकअप नथिंग और डोंट जज मी कि मैं कैसी दिख रही हूँ ओके okay, तो मेरे पास ना एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि आप गॉड की बहुत बात करते हो आप भगवान की बात करते हो आप कहते हो, हो सरेंडर कर दो हर कोई भगवान को थोड़ी मानता है तो बहुत लोग होते हैं जो नहीं मानते वो क्या करें तो इसमें सबसे पहली तो ये चीज़ है कि वेन आई वेन एवर आई टॉक अबाउट गॉड भगवान आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम मूर्ति स्पेसिफिकली मैंने भगवान को क्या समझा मेरे लिए ऐसा है कि मतलब बचपन से हम सम, सब सुनते हैं कि भगवान है और मान लेते हैं शायद विश्वास नहीं करते हैं इतना हम तो मेरे लिए क्या है मुझे दिख रहा है मेरे सामने यार एक प्रकृति है एक पूरा ब्रह्मांड है बहुत चीजें ऐसी हैं जहां इंसान नहीं पहुंच पा रहा है तब भी वहां घास उग रही है पेड़ बढ़ गया है फूल सुंदर जहां तक इंसान नहीं पहुंच पा रहे वो चीजें नेचुरली जो फ्लरिश कर रही हैं वो ज्यादा फ्लरिश कर रही हैं तो कुछ तो है हमारे इंसानी दिमाग से ऊपर जो सब चला रहा है और सब बहुत अच्छा चल रहा है तो मेरे लिए भगवान प्रकृति है नेचर है तो पहली चीज ये या फिर आप डिवाइन बोल सकते हो जो लोग यूनिवर्स कहते हैं इट्स ऑल वन थिंग फॉर मी दूसरी चीज जब कोई कहता है कि आप कहते हो भगवान पे विश्वास करो या सरेंडर करो तो कैसे सरेंडर करें मुझे ऑनेस्टली नहीं पता सरेंडर कैसे किया जाता है पर मुझे ये पता है कि मैंने कैसे शुरू करा था सो यू नो यू हैव एक देर आर सर्टेन मोमेंट्स इन योर लाइफ वेन यू हैव ट्राइड एवरी मतलब अगर आप किसी एग्जाम में हो आपने अपनी समझ के हिसाब से सब चीजें ट्राई कर ली आपने एफर्मेशन uh, लगा लिया आपने सब जितना आप कर सकते थे थोड़ा खुराफात लगा के वो सब आपने करा एंड देन कम्स अ मोमेंट इन योर लाइफ नथिंग इज वर्किंग आउट प्रॉबेबली डू नॉट हैव सो मेनी पीपल अराउंड ऑल्सो टू टॉक टू तो मेरे uh, जब बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद ना मेरे पास नहीं थे यार बहुत ज्यादा लोग मतलब तो कुछ समीपल देन सेल्स लेफ्ट कुछ से मैं दोस्तियां नहीं निभा पाई क्योंकि मैं ही इतनी इनसिक्योर थी कि मैं पास नहीं हुई वो हो गए हैं तो मेरी खुद की इनसिक्योरिटी अलाउ नहीं करती थी कि मैं किसी से बात कर लूँ तो मैंने खुद को काफी अकेला अकेला कर लिया तो दोस्त हट गए उसके बाद सारी बातें अब अपने पेरेंट्स से भी नहीं कह सकते अभी तो नाउ आई स्टार्टर शेयरिंग अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद माई पेरेंट्स जब मैं पास हो गई उससे पहले वो होता है ना कि एक मोमेंट वेन पेरेंट्स दे लव यू ऑफकोर्स बट दे समहाउ हैव दैट डाउट कि भाई तुम पास नहीं हो रहे हो सही तो कर रहे हो ना सब कुछ तो वो थोड़ा सा गैप आ जाता है कि वो भी आपको बात पे किसी बात पे बोल ही देते हैं कि अरे तुम ये नहीं करे वो नहीं करे तब तो आपको लगता तो तो है मैं किसको बोलूँ जाकर कि मैं तो सब मेहनत कर रही हूं तब भी नहीं हो रही ना चीजें मैं मैं किस ऐसा नहीं मैं करना नहीं चाह रही हो नहीं रही है बस अभी वो, वो मोमेंट टाइमिंग होता है आपकी लाइफ का कि आप कुछ काम करते हो नहीं बनता तो वो वाला टाइम चल रहा था मेरी लाइफ का और uh, मैं देखती भाई घर में सब पूजा वूजा करती हूँ तो एक दिन मम्मी ने कहा कि तू भगवान जी से बात किया कर ना तू खुद जाके बोलना उनको कि मेरे को पास कर दो मेरे को कोई फेथ नहीं था ऑनेस्टली जबकि मैं ऐसे परिवार में बड़ी हुई हूँ जहाँ रिलीजन देखा है मैंने भगवान सब चीज़ें देखी हैं मतलब देखी आई मीन लोगों को पूजा करते हुए देखा है बट फिर भी वो खुद से खुद के साथ होता है तभी होता है तभी खुद को समझ आता है तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं मंदिर में जाके रात को जब सब सो जाते थे जाके तो मैं लेट नाइट पढ़ाई करती थी तो मैं तीन साढ़े तीन बजे जाके ऐसे बस मंदिर के आगे बैठ जाती थी एक दो बार मैं जाके बैठी और मैंने अपनी पूरी बात कही जैसे एस एफ एम टॉकिंग टू टौ सम तो मेरे दिमाग में आइडिया था कि ठीक है चलो मम्मी इतना कहती है ना मंदिर में जाके बैठ जाते हैं ये मूर्ति है मम्मी कहती है ये भगवान है तो कुछ तो हो ही जाएगा और ये सी ए फाइनल मतलब मैं पूरी बड़ी सेंसिबल इंसान तो मैं ऐसी रात को तीन साढ़े तीन मंदिर के आगे जाके बैठ जाती थी और फिर मैं बात करी हूँ सारी की देखो मैंने इतना पढ़ लिया इतना पढ़ लिया है ऐसे ऐसे कर लिया मैंने कुछ दिन करा ये थोड़े बहुत दिन और जब मैंने करा ना दो तीन पहले दिन तो मैं ऐसे ट्रायल बेसिस कर रही थी <laughs> कि क्या होता है कि दे टेस्ट करते हैं भगवान प्रकट होंगे क्या उसके बाद तो दो तीन दिन, दिन बाद जब करा ऑल आई वॉज डूइंग वॉज क्राइंग मतलब मैं एक तो होता है रोना आई आई स्टिल हैव गुजब्स वाइल टेलिंग दिस एक होता है रोना एक होता है फूट फूट कर रोना वो वैसा वाला मोमेंट था मेरे लिए एज इफ यू आर बैक होम कि मैं अब तक कहाँ घूम रही थी मैं अपने घर वापस आई हूं तो मैं किसी बहुत अपने से बात करी वो वाला फीलिंग था आई एम एग्जैक्टली टेलिंग यू द फीलिंग कि तो मुझे ऐसा फीलिंग आया उसके बाद मैंने कहा मतलब उसके बाद मेरे को लगा ये तो बड़ा अच्छा मेरे को इतना रिलैक्सिंग फील हो रहा है मतलब तो कोई टेंशन नहीं एग्जाम की एग्जाम है अगले पंद्रह दिन में और मेरे को रिलैक्स फील हो रहा है और फिर मैं जाके फिर नेक्स्ट डे फिर मैं अपना पढ़ाई वढ़ाई करती थी आके अब मैं ना जब दिन में पढ़ाई करती थी तो मुझे ये था कि मतलब कोई एक मुझसे ऊपर शक्ति है जो मंदिर में है अब मैंने उनको बोला है कि मैं ईमानदारी से पढ़ाई करूंगी ना तो मैं पढ़ाई करूंगी तो मैंने भगवान के साथ एक डील कर ली थी अपने हिसाब से कि देखो मेरा काम है ईमानदारी से पढ़ाई करना और मैं पूरी ईमानदारी से कि जब मैं सबको बोल के जाऊंगी ना मैं पढ़ने जा रही हूं तो मैं एक्चुअली पढ़ने ही जाऊंगी और उसके बाद मेरे को रिजल्ट क्या देना है वो आप देखोगे कि पेपर कैसा आएगा और मेरे एग्जाम का कॉपी कौन चेक करेगा क्या मेरा लाइफ का टाइमिंग है मैं पास होने का नहीं ये सब कुछ आप देखोगे क्योंकि मैंने फिर एक डील बनाई कि देखो ये ये काम तो जो मेरे कंट्रोल में है वो काम मैं देखूंगी कि मेरा काम है अच्छे से पढ़ना और जब मैं पढ़ने जा रही हूं तो उसको ईमानदारी से पढ़ाई करना उसको बार बार रिवाइज करना अच्छे से लिख कर आना अब आपका क्या काम है कि मुझे सही समय पर चीजें याद आ जाए पेपर इजी आ जाए जो मैंने पढ़ा है वही चीजें पेपर में आ जाए और मेरे एग्जाम अच्छे हो जाए मैं पास हो जाऊं ये सब क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है ना तो मैंने कहा ये सब टास्क आपको दिए तो आई लिटल यूज टू टॉक टू लाइक गॉड इन फ्रंट ऑफ माई मंदिर तो मैं ऐसा डील वील करके तो मुझे लगता भी था कि देखने आप तूने तो प्रॉमिस करा मतलब डील करी हुई है तो अपना पार्ट तो ईमानदारी से कर बाकी जो होगा वो भगवान से डील कर लिया वो देख लेंगे तो ऐसे करके ना मेरे दिमाग में क्लियर डिस्टिंक्शन बनता गया ये चीज़ करने से कि ये ये मेरे कंट्रोल में है तो मैं ये ईमानदारी से करूंगी और जो जो मैंने भगवान को टास्क दिए हैं वो वो देख लेंगे और फिर क्या वो फिर एक बार सी फाइनल डीटी का पेपर था सुबह मेरे को लगा कि अभी बहुत सारी चीज़ें बच गई मैं नहीं कर पाई और मेरा भाई थ्री थर्टी एम वाला रिचुअल मैं मंदिर के आके बैठी और मैं बहुत रोई यार कि मैंने तो इतनी अच्छी पढ़ाई करी इसके बाद में भी चीज़ें छूट गई अब क्या होगा मेरे को नहीं पता तो मैंने रो के थोड़ी देर फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं जितना भी समझ आ रहा है ना मैं पढ़ लेती हूँ अगेन मेरे कंट्रोल में क्या है कि जितना भी टाइम बचा है पढ़ लूँ मैंने पढ़ी कुछ कुछ चीजें पढ़ के गई आई वॉज सिटिंग इन द एग्जाम हॉल मैंने पेपर खोला टेलिंग दिस तो जो पहला पहला क्वेश्चन होता है जो सिक्सटीन मार्क्स का दैट वॉज एग्जैक्टली द क्वेश्चन जो मैं सुबह पढ़ के गई थी मतलब उस टाइम जो भी अमेंडमेंट आई थी वो अमेंडमेंट वाली उस क्वेश्चन में थी चीजें जो क्वेश्चन में सुबह पढ़ के गई थी ना वही क्वेश्चन एग्जैक्टली पेपर में वहां पे मेरी खुशी का को कोई ठिकाना नहीं मैंने कहा गॉड oh works भगवान तो असली में होते हैं <laughs> तो मैंने ऐसे सोच के पूरा मैं बहुत खुशी और ऐसा ही मेरे साथ लॉ के पेपर में भी हुआ था कि मैं लास्ट मिनट जो भी मेरे को समझ आया एक फॉरेक्स वाला नहीं वट वॉज द चैप्टर फ़ोरन करके कुछ चैप्टर है आई डोंट रिमेम्बर इट फेमा हाँ फेमा में एक चैप्टर है सी ए फाइनल लॉ में तो वो वाला चैप्टर बहुत बड़ा होता था तो, तो मैंने छोड़ दिया अब उसमें से मुझे लगा कि अगर क्वेश्चन आ गया तो अब अगेन ना कि मेरे हाथ में क्या है कि मैं जितना पढ़ सकती हूँ उतना करूंगी अब आगे क्या होगा अब यू सी इट तो मैंने उसको चैप्टर को जल्दी जल्दी पढ़ा एक वही चैप्टर बचा था मेरा और मैं उसमें एक, एक, एक एक्सपोर्ट वाला सेक्शन होता है आगे सेक्शन एट था वो और मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा मैं एग्जाम हॉल में गई वो क्वेश्चन एट मार्क्स का इन क्वेश्चन पेपर और मैं इस पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन बैंक में सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ के गई थी और वो पेपर में आ गया और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं मैं इतनी खुश तब मेरे को धीरे 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 विश्वास ना होकर मैं पास भी हो गई जब मेरे रिजल्ट से भी ना एक दिन पहले मेरे रूम में बहुत बड़ी सी गणपति की बहुत बड़ी फोटो थी तो ऐसी मैं देख रही थी आई जो सिटिंग नेक्स्ट डे रिजल्ट है मैं सिर्फ बैठ के ऐसे फोटो को देख रही थी देखते 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 थे आई एज लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज अकेली बैठी हुई थी तो मैं देखते देखते ना अचानक से मैं रोने लग गई और आई क्राइड अलॉट अलॉट इट वॉज ऑल वेंटिंग आउट सारा स्ट्रेस मेरे सिस्टम से वेंट आउट हो रहा था काफी रोने के बाद आई जस्ट सेड वन थिंग कि मैंने ना अपना बेस्ट दिया है मतलब ये मेरा बेस्ट था मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकती हूँ मुझे नहीं पता मैं क्या ही कर सकती हूँ इसके आगे ये मेरा बेस्ट था अब आपकी मर्जी है मुझे पास करना तो करो नहीं करना तो मुझे को फेल कर दो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है पर मैंने अपना बेस्ट दिया है अब मैं कुछ नहीं कर सकती नेक्स्ट रिजल्ट आया नेक्स्ट डे मैं सी ए बन गई और उसके बाद से फिर चीजें होती वो होता है ना कि जादू आप सबको लगता है कि जादू मेरे साथ होगा तब मानूंगा तो वही ना जब मेरे साथ हो गए बहुत सारे इवेंट इंसिडेंट्स आई स्टार्टेड विद अ वेरी ओपन माइंड कि चलो मम्मी इतना बोल रही है इतना रिगार्ड से मैंने चलो कि करके देखती हूँ क्या होता है मैंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस या अजम्पन बेसिस पे शुरू करा कि चलो वही तो भगवान होता है होता है तो चलो वो एक्सपीरियंस करते हैं आई वॉज नॉट इन टू द चैलेंजिंग मोड कि भगवान है तो मेरे सामने प्रकट हो ऐसा नहीं आई वॉज लाइक वेरी इनोसेंट हार्ट से मैंने ये चीज़ करी कि ठीक है एक्सपीरियंस करती हूँ हो सकता है कि हो भी जाए आई वॉज वेरी ओपन टू इट इट कैन ईद वर्क और नॉट तो मैंने सिर्फ प्योर इंटेंशन से उस चीज को आई गिव इट अ ट्राई एंड आई एक्सपीरियंस्ड मैजिक तो मैजिक की जब भी आती है ना फेथ मैजिक फेथ कैन लिटरली मूव माउंटेन्स आपको सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है आप अभी भी तो ये विश्वास करते हो ना कि ये वर्क नहीं करेगा वो वर्क नहीं करेगा हो सकता है मेरे काम ना बने आप एक बार ये विश्वास कर सकते हो कि मेरे ऊपर कोई शक्ति है भगवान मूर्ति नहीं कह रही मैं किसी रिलीजन बेस्ड बात नहीं कर रही पर आप ये सोच सकते हो कि मेरे ऊपर कोई आपके ऊपर कोई तो शक्ति है ना अगर आप भगवान नहीं हो तो कोई तो है ना आपके ऊपर जो सारी चीज़ें चला रहा है हमारी पूरी जिंदगी जिस चीज़ पे टिकी है मेरी सांस मेरी श्वास वो तो मैं कंट्रोल नहीं कर रही ना और उसी भी सारा जीवन है तो कुछ तो है ना मेरे बियॉन्ड जो मुझे पूरा चला रहा है जो सारी चीज़ें चल रही हैं तो बस ये सोच के मैंने ट्राई करा और उसके बाद उस दिन से आज तक इट्स बिन थ्री ईयर्स नाउ टू टू एंड हाफ ईयर्स नाउ सब चीजें हो रही हैं सब बढ़िया हुआ है तो अभी ऐसे ही मेरा विश्वास नहीं बना कुछ एक्सपीरियंसेस हुए मुझे वही बना तो आई जस्ट थॉट टू शेयर इट विद यू ऑल कि सबको लगता तो है ना मेरे साथ होगा तब मानेंगे तो आप पहले ओपन रहो ना इस आइडिया के लिए कि आई एम ओपन आपके लिए आपको एक्सपीरियंस आपको सिर्फ ओपन रहकर उस चीज़ को एक ट्राई देना है मुझे पता है कि पक्का पक्का होगा पर आप ही सोचो कि चलो करके देखते हैं जब आप आइडिया को वहीं रिजेक्ट कर देते हो ना तब प्रॉब्लमैटिक होता है जस्ट बी ओपन टू वट एवर अदर पीपल आर सेन अप्लाई करो सी इफ इट्स वर्किंग आउट फॉर यू आर नॉट पहले से ही जजमेंट मत दे दो तो हम हमें बहुत उत्सुकता होती है कि हम बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं. पर बड़े होकर लगता है कि काश हम वापस से वो वाले बच्चे बन जाएं. वो बच्चा जो हर चीज में विश्वास करता था उसे बच्चे के लिए कुछ भी टफ नहीं होता बच्चा कभी सोचता है कि मेरे पेरेंट्स कैसे गाड़ी लाएंगे बच्चे ने एक गाड़ी देखी उसके दिमाग में फंस गई अब उसको है कि मेरे को गाड़ी चाहिए कैसे भी करके मुझे चाहिए ही चाहिए बस उसका ऐसा होता है तो हम क्यों इतना सोच लग जाते हैं आपने एग्ज़ाम दिया अगर आपकी सच में चाहत है कि आप उस एग्जाम में पास हो मेक अ डील विद गॉड नेचर यूनिवर्स वट यू मे कॉल इट मेक अ डील कि देखो जो मेरे हाथ में है मैं वो करूंगा ईमानदारी से बाकी क्या होना है आउटकम क्या आएगा ये आप देखो इस तरह से डील करके ना गिव इट अ ट्राई आई नो इट विल श्योरली वर्क बट आप एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एक एजम्पन बेसिस पे इसको करके देखो लाइफ इज मोर ब्यूटिफुल वैन मैजिक इज वर्किंग विद यू तो प्लीज क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करी वो करा है वो मैजिक तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग एक्सपीरियंस करें उसको और मैंने बिना तैयार हुए बिना स्क्रिप्ट के पता नहीं क्या बोला है ग्यारह मिनट की वीडियो में पर मुझे ये चीज़ बोलनी थी कि यार मेरे को अच्छा नहीं लगता है जब कैसा कोई भी दुखी रहता है सैड रहता है बिल्कुल जब मेल भी आते हैं ना बच्चे बहुत सैड फील करते हैं कि दे आर जस्ट रेडी टू तो गिव अप ऑन देर लाइफ डोंट डू दो इट लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और मैं ये नहीं बहा कहती कि भगवान है ये ऐसा करो वैसा करो आप खुद सोचो कोई एक शक्ति है आपसे ऊपर है आपका ध्यान रख रही है दिस थॉट इन इट्सैल्फ इज सो कामिंग सो ब्यूटिफुल गिव इट अ ट्राई और अपना ध्यान रखो आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो ठीक है जिसने आपको जन्म दिया है नॉट आई नॉट टॉकिंग अबाउट योर पेरेंट्स बस जिस शक्ति ने आपको जन्म दिया है जब वो जन्म दिया है उसने आपको तो आप आपका आपका पूरा शरीर चल रहा है सब चीजें चल रही है तो वो वो शक्ति बिल्कुल केपेबल है आपका ध्यान रखने के लिए तो आप उस शक्ति पे शक करते हो जब आप वरी करते हो तो, तो ऐसा थोड़ी करते हैं आप अकेले नहीं हो दिल पे हाथ रखो सांस चल रही है सब बढ़िया है जब तक सांस चल रही है सब पॉसिबल है सब हो सकता है पीछे जो हो गया हो गया आगे का देखो दिल पे हाथ जब भी टेंशन हो दिल पे हाथ रखो और सोचो सांस चल रही है ना चल रही है जिंदा हूँ भी कभी भी ऐसा हो जाता है कि एक दिन में आपकी ज़िंदगी बदल जाती है तो सब चीज़ें पॉसिबल है सब हो सकता है लाइफ में कुछ भी हो सकता है आप होप रखो फेथ करो विश्वास करके देखो फिर देखना जिंदगी क्या खूबसूरत होगी ठीक है ध्यान रखो अपना बाय